जय माता दी। अभी सभी अपने सभी भक्तों को, सभी सपोर्टरों को हलचट का, तो हलचट का व्रत जो है जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। छठ छठ को हलचट होती है और अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो इसको जो है बलराम जयंती बोलते हैं। बलराम जी के जन्म उत्सव मनाया जाता है हलधर भगवान बलराम के लिए मानता है। बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है, बच्चों को सुख शांति के लिए किया जाता है। तो ये व्रत किस दिन मनाया जाएगा? ये व्रत मनाया जाएगा, हलछठ का व्रत है, रविवार सुबह। रविवार को व्रत रखेंगे और 10 बजे से पहले इसकी पूजा कर लेंगे हलछठ का। क्योंकि जो है छठ छठ का पर्व छठ जो रहेगा वो रहेगा 10:12 पे समाप्त हो रही है छठ। शनिवार को जो लोग, रविवार को जो लोग व्रत कर रहे हैं 10 बजे के पहले ही पूजा कर लेंगे। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि इसको मनाया जाएगा शनिवार को, तो शनिवार को जो है, शनिवार को ही व्रत लिए छठ जो है 12:24 पे लग रही है। तो कब पूजा करोगे? 12 बजे तो पूजा होती है छठ की, 12 बजे छठ रहेगी नहीं शनिवार को। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए आप लोगों को किस दिन करना है, आप लोग क्या किस दिन कर रहे हैं। और रहा बात पंचांग और इसकी पत्रा का, तो मैं बताती हूँ कि हमारे घर, हमारे ददिया सास ससुर, हमारे सास ससुर सब लोग ठाकुर प्रसाद जयंत्री देखते हैं, उसी से मैं भी देखती हूँ, उसी से पूजा करती हूँ कि ये जो है ठाकुर प्रसाद की जयंती में लिखा हुआ है कि हलछठ का व्रत, हलछठ का व्रत रविवार को मनाया जाएगा, 10 बजे के अंदर पूजा कर लेना है। और ज्यादा मैं ये सब नहीं और बता रही हूँ, और ये भी बता रही हूँ, ये सीधे सीधे बता दूँ। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को कब करना है व्रत। बहुत सारे कलेक्टर है, बहुत सारे यूट्यूबर है किस किस दिन बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठाकुर प्रसाद जयंत्री का मैं देखी हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। जय जय श्री राम। कीर्तन पूजा का हमारा चैनल है, इसके माध्यम से आप लोगों को जो दूंगी एकदम सही जानकारी, कोई गलत नहीं। हलछठ का व्रत की मानता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हलछठ मैया है। जिसके बच्चे नहीं है उनको बच्चे देती है, धन दौलत देती है। जिसके बच्चे नहीं है उसके लिए उसमें गांठ बांधी जाती है, एक हाथ से बाएं हाथ से गांठ बांध दो, 1 साल के अंदर माता रानी देती है। ये मैं भी बताती हूँ, मेरा प्रमाण, मैंने बहुत सारे लोगों को किया है, सभी मनोकामना पूर्ण कर दी। हलछठ मैया की जय। तो मैं हलछठ मैया, हलछठ कल मना रही हूँ, आप लोग कब मना रहे हो कमेंट करके बताइए। एकदम देखकर सही मैं जो दूंगी सही जानकारी दूंगी। जय माता दी। सभी सपोर्टरों को अच्छी जानकारी देने के लिए ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ।